हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम ये शांता क्लोज के लिए कैप बनाएंगे। जैसे कि क्रिसमस आ रहा है तो बच्चे हमारे जैसे बहुत ही पीछे पड़ते हैं, हमें शांता क्लोज का कैप चाहिए, तो आप घर पे ही बड़ी आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से मैंने बनाना बताया है, तो चलिए बनाते हैं। कैप बनाने के लिए कपड़े की मैंने कटिंग कर ली है, तो ये कपड़ा हमारा यहाँ से है 18 इंच 18 इंच है और यहाँ से 11 इंच लिया है। तो यहाँ पर अगर आपको किसी भी साइज का बनाना है, जैसे अपने हेड को आप गुलाई में माप लें तो ये हमारा हेड का माप आ जाएगा इतना, और ये हम लंबे में रखेंगे इतना। तो किसी भी साइज की बना सकते हैं, अपने हेड को राउंड में माप लें। ये प्लेस हमारा उतना ही होना चाहिए जितना हमारा हेड का राउंड है। अब इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, फिर से एक फोल्ड कर लेंगे। ये फोल्डेड साइड है, ये ओपन है हमारी। यहाँ से हमें एक जब 1.25 इंच लेंगे तो यहाँ पे मैं 1.25 इंच पे निशान लगाऊंगी, और ये कॉर्नर है, और ये दोनों कॉर्नर को इस तरह से कॉर्नर से ये लाइन लगा लेनी है, और ये भी लाइन लगा लेंगे। यहाँ से हमें इस तरह से राउंड में शेप लगानी है, तो ये कॉर्नर है, यहाँ से ऐसे मिला देंगे राउंड में। ये शेप इस तरह से आएगी। अब मार्किंग हो गई है, इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये शेप है जैसे, इसे हमें इसी तरह कट कर लेना है, और यहाँ से ये हमें इस तरह कट कर लेना है। कटिंग हो गई है, अब इसे हमें सिलना है। यहाँ से सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगा दी है, अब इसे हमें सीधा कर लेना है। इस तरह से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद जैसे ये हमारा कॉर्नर है, इसको हमें पेन की हेल्प से इस तरह से निकाल लेना है अच्छे से। इसके बाद हमें ये व्हाइट कलर का कपड़ा लेना है। तो ये कपड़ा डबल में है, ये 2.5 इंच है, 2.5 इंच है। तो इसको हमें इसके बराबर लेना है। इसका हम इस तरह मेजरमेंट करके भी ले सकते हैं। जैसे 8.5 इंच आ रहा है, तो ये भी हमें 8.5 इंच लेना है, जहाँ हम यहाँ से इस तरह से मिला के देख लेंगे। ये मैंने इतना लिया है, यहाँ से एक्स्ट्रा कट कर लेना है। तो 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, वो सिलाई में जाएगा हमारा। अब इसे हमें इस तरह से खोल लेना है, और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगने के बाद इस कपड़े को फिर से हमें इस तरह से रखना है और डबल कर लेना है। जैसे इस तरह से डबल कर लेंगे, ये मैंने डबल कर दिया है, इस तरह से डबल हो गया कपड़ा। अब हमें इसके साथ सिलना है। तो ये फोल्डेड साइड है, ये ओपन साइड है, इस तरह से रखेंगे। और ये कैप है हमारी, इसे हमें इस तरह अंदर रखना है, इसके डालना है। इस तरह से मैंने डाल दिया है। अब देखिए, ये सिलाई है और ये हमारी इसकी सिलाई है वाइट कपड़े की। इन दोनों को बराबर करके यहाँ पे हमें एक पिन लगा लेनी है, जिससे कपड़ा हिले ना, और कपड़े को एकदम बराबर कर लेना है इस तरह से। ये दूसरी साइड है सिलाई की, तो यहाँ भी हमें पिन लगा लेनी है। पिन लगाने से क्या इजी रहता है सिलने में। अब ये कपड़ा हमारा इस तरह से दोनों सेट हो गए। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमें सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई मैंने लगा दी है यहाँ पर। अब इस कपड़े को हमें इस तरह से ऐसे खोल लेना है, तो यहाँ पे इंटरलॉक वगैरह कर सकते हैं। अब ये स्ट्रिप्स हमारी बाइट लग गई है, इतना बन गया है। अब यहाँ पे एक पोम पोम बना के लगाएंगे। तो इसके लिए ये बाइट कपड़ा लिया है, इसको भी हमें डबल रखना है इस तरह से, और कोई इस तरह से ढक्कन वगैरह लेना है छोटा सा, और यहाँ पे रखेंगे साइड में, तो बाकी काम में आ जाएगा हमारा। यहाँ से इस तरह से राउंड में मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग हो गई है, अब यहाँ से 1/2 इंच छोड़ के हमें कटिंग कर लेनी है इसकी। ये कटिंग कर ली है, ये हमारा इतना बनेगा, 2 इंच तक होगा ये सर्कल। अब यहाँ से थोड़ा सा छोड़ के बाकी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई मैंने लगा दी है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा हमें इस तरह से कपड़े को कर लेना है। तो जब हम सीधा करेंगे तो एकदम बराबर आएगा, सिलाई नहीं काटनी, ऐसे काटना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इस तरह से छोड़ा है, यहाँ से हमें सीधा कर लेना है, इसे इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो इस होल में हमें थोड़ा सा रुई डालना है, तो रुई को इधर से डालेंगे हम। यहाँ पर रुई मैंने फिल कर दी है। अगर रुई नहीं है तो जैसे ये कपड़ा है वाइट, इसी का हम छोटी छोटी पीसेस कर लेंगे कपड़े के, वही हम डाल देंगे। तो इतना मैंने यहाँ पे भर दिया है, ये प्लेस है, इसे हमें यहाँ पे अटैच करना है। तो ये कॉर्नर है, हमें अंदर डाल देना है, और इस कपड़े को इस तरह से थोड़ा सा फिनिशिंग के साथ ऐसे कर लेना है।
इस तरह मैंने सेट कर दिया है। अब नीडल से ही हम इसे लगाएंगे, मशीन से लगाना है तो यहाँ मशीन भी हम चला सकते हैं, तो ये मैं नीडल से लगाऊंगी। इस तरह से डबल धागा लगा डाल लेंगे और यहाँ पर अच्छे से इसे सेट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सेट कर दिया है। अब यहाँ पे हमें इस तरह दो तीन नोट लगा लेने हैं जिससे ये हमारा निकले ना। अब देखिए हमारा शांता क्लॉज का कैप बनके रेडी हो गया है। इस तरह से आप भी कैप बनाइए, जैसे कि बच्चों के लिए आप घर पे ही बना सकते हैं बड़ी आसानी से। यहाँ पर अगर रेड कलर का आपके पास टी शर्ट वगैरह है तो उसका भी हमारा बहुत अच्छे से बनेगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी तरह के नए वीडियो में।